What's up guys, this is Chomavo and once again welcome back to our channel Techno Crazy. So friends, आज इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे Chrome extensions बताऊंगा जिसके मदद से आप डार्क मोड को अपने Chrome में enable कर सकते हैं. So बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही बेसिक सा वीडियो होने वाला है. So without wasting any time, let's get started. तो सबसे पहला जो एक्सटेंशन है दैट इज नाइट मोड फॉर ऑल वेबसाइट्स. तो ये काफी एक सिंपल सा एक्सटेंशन है. फिर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो होंगे. जैसे ही आप इस पे अपना माउस लेके जाएंगे तो देखिए ये यहाँ पे करंट स्टेट शो कर देगा और इस साइट पे एक्सेस है कि नहीं वो शो कर देगा. अभी मैं आपको अगर विकिपीडिया में लेके चलता हूँ एंड इस पे अगर मैं होवर करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस साइट में एक्सेस भी है और करंट स्टेट व्हाइट है. तो सिंपली मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो अभी आप देख सकते हैं करंट स्टेट ब्लैक हो चुका है. एंड इसी तरह आप कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स है इससे आप सारे वेबसाइट्स पे नहीं कर सकते. अब हालांकि यहाँ पे लिखा है कि फॉर ऑल वेबसाइट्स बट सारे वेबसाइट्स पे यहाँ पे नहीं होता है. सो कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स है आप वहाँ पे इसको अगर यूज करना चाहे आप डेफिनेटली कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सुपर डार्क मोड. तो ये भी बिल्कुल सिमिलर है टू द वन विच वी प्रीवियसली डिस्कस एंड आपको यहाँ पे भी जो है सिंगल क्लिक में डार्क मोड को एनेबल या फिर डिसेबल करने का ऑप्शन मिल जाएगा. तो एक बार फिर से अगर मैं आपको विकिपीडिया पे लेके चलूँ तो ये इसका डिफॉल्ट थीम है एंड अगर मैं इसको सिंपली क्लिक कर दूँ यहाँ से तो देखिए अब ये डार्क मोड पे चेंज हो चुका है. सिंपली अगर मैं आपको अमेजोन पे लेके चलूँ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत ही वियर्ड सा एक डार्क थीम इसने अप्लाई कर दिया है. बट अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो भी आप देख सकते हैं ये अमेजोन का डिफॉल्ट थीम है. तो कुछ कुछ वेबसाइट्स में ये काम करता है, हर एक वेबसाइट्स में सही तरीके से काम नहीं करेगा. बट स्टिल इट्स ऑल्सो ए गुड एक्सटेंशन. आप इसको भी जो है डार्क थीम को अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डार्क मोड फॉर क्रोम. तो ये भी काफी सिंपल एंड काफी बेसिक सा एक्सटेंशन है. यहाँ पे भी आपको एक क्लिक में वेबसाइट्स को चेंज करने का ऑप्शन जो है मिल जाएगा. तो एक बार फिर से मैं देखिए यहाँ पे विकिपीडिया में आ चुका हूँ एंड एक बार फिर से मैं अगर यहाँ पे सिंपल एक क्लिक करूंगा तो ये डार्क मोड में चेंज हो जाएगा. यहाँ पे भी जो है दूसरे सारे एक्सटेंशन की तरह जो मैंने अब तक डिस्कस किए कोई अलग से कस्टमाइजेशन ऑप्शन नहीं मिलते, सिंपल आपको एक क्लिक का ऑप्शन ही मिलता है. तो डेफिनेटली आप अगर इसको भी यूज करना चाहो तब इसको भी जो है यूज कर सकते हो एज अ डार्क मोड एक्सटेंशन. नेक्स्ट इज नाइट मोड फॉर यूट्यूब. तो YouTube में अगर आप देखें तो आपको ऑफिशियली एक थीम चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है. यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको अपीयरेंस में डार्क थीम, लाइट थीम और डिवाइस थीम चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है. लेकिन अगर आपको ये उतना पसंद नहीं है एंड आप कोई अलग से एक्सटर्नल एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके इसको चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं नाइट मोड फॉर यूट्यूब. तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यूट्यूब के इस पेज को यहाँ पे रिफ्रेश किया यहाँ पे जो है यूट्यूब का जो लाइट थीम जो कि इनका डिफॉल्ट थीम होता है ये जो है यहाँ पे अप्लाई हो चुका है. तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आपने जो एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया नाइट मोड फॉर यूट्यूब तो ये भी एक क्लिक पे काम करता है. जैसे आपने एक क्लिक किया तो ये जो है डार्क मोड पे चेंज हो चुका है. तो यहाँ पे आपको उतना ज्यादा कुछ डिफरेंस या चेंज आपको दिखेगा नहीं, बट स्टिल अगर आपको इसे यूज करना है तो डेफिनेटली आप इसे भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज चारकोल. तो लास्ट वाले एक्सटेंशन में हमने देखा अ डार्क मोड एक्सटेंशन विच ओनली वर्क्स फॉर यूट्यूब और ये जो एक्सटेंशन है इट ओनली वर्क्स फॉर मैसेंजर. तो अगर आप मैसेंजर में काफी चैट वगैरह करते हैं एंड आप इसके नॉर्मल से थीम से काफी बोर हो चुका है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे एक डार्क मोड एक्सटेंशन लगा सकते हैं. आपको सिंपली इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाएंगे. जैसे कि आपको यहाँ पे तीन कलर में डार्क मोड मिल जाता है. तो सिंपली मैं यहाँ पे डार्क मोड सिलेक्ट करूंगा एंड मान लीजिए मैं यहाँ पे मिडनाइट कलर चाहता हूँ. इसके बाद मैं सिंपली इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर दूंगा. जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ अभी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है डार्क मोड अप्लाई हो चुका है. तो आप तीनों कलर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं. मान लीजिए आपको यहाँ पे चारकोल चाहिए तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लाइटर डार्क मोड है एंड यहाँ से डीप ब्लू में आपको एक ब्लूइश कलर का डार्क मोड देखने को मिलेगा. तो डेफिनेटली ये काफी अच्छा एक्सटेंशन है, अगर आपको यूज करना है आप इसको यूज कर लेना. नेक्स्ट इज डार्क मोड ऑन क्रोम. तो ये जो एक्सटेंशन है ये भी बिल्कुल सिमिलर वे में ही वर्क करता है. यहाँ पे भी आपको ज्यादा कुछ कस्टमाइजेशन ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, सिंपल सिंगल क्लिक में आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं. तो यहाँ पे इसके कुछ डिमेरिट्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा. सबसे पहले मैं यहाँ पे विकिपीडिया पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट को रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज ये बहुत ही कम कॉन्ट्रास्टिंग है. इनफैक्ट मैं अगर आपको गूगल क्रोम के होम पेज पे लेके आऊँ तो यहाँ पे जो वेबसाइट्स है इनको आप एक तरह से कह सकते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है एंड लिंक्स भी आपको उतने सही तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है. तो ये उतना सही एक्सटेंशन मेरे को नहीं लगा, बट स्टिल ये भी मुझे सर्च करते हुए मिला. सो ऑफकोर्स इसको भी आप डेफिनेटली एक बार ट्राई आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सौरॉन. तो ये जो एक्सटेंशन है इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे. नाइस, सिर्फ आप यहाँ पे डार्क थीम को अप्लाई कर पाएंगे बट आप अपने हिसाब से वेबसाइट्स को चूज कर सकते हैं कौन से वेबसाइट्स में आपको अप्लाई करना है, कौन से में आपको एक्सक्लूड करना है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं विकिपीडिया के इस वेब पेज पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे जो है आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्ट्रास्टिंग मिलता है.
तो ऑफ कोर्स आपको जो है यहाँ पे टेक्स्ट रीड करने में ज्यादा इजी होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आपको शेड्यूल का भी फीचर यहाँ पे मिल जाता है, आपको इसको टर्न ऑफ कब करना है, टर्न ऑन कब करना है, उस हिसाब से आप इसको भी सेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये काफी अच्छा एक्सटेंशन है, आपको करके दिखा देता हूँ। इसको वैसे मैं ऑफ करता हूँ, ये वेब पेज अपने आप रिफ्रेश हो जाता है एंड फिर ये ऑफ हो जाता है। तो इसी तरह ये वर्क करता है एंड डेफिनेटली आप इसको भी यूज कर सकते हैं डार्क मोड एक्सटेंशन को दूसरे सारे वेब पेज पे यूज करने के लिए। नेक्स्ट इज डार्क नाइट मोड। तो ये जो एक्सटेंशन है ये भी आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जिसके जरिए आप डार्क मोड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बार फिर से विकिपीडिया का यह पेज खोल के रखा है, मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड इसके बाद मुझे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ, तो इसके बाद मैं जो है ब्राइटनेस को भी अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकता हूँ। तो अगर मुझे काफी ब्राइट चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा, तो देखिए स्क्रीन अभी काफी ब्राइट हो चुका है एंड मैं इसको रीड कर सकता हूँ। साइमल्टेनियसली अगर मुझे यहाँ पे ब्राइट नहीं चाहिए, मुझे कम ब्राइटनेस चाहिए, तो मैं इसको कम ब्राइट पे भी सेट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। लेकिन ये जो एक्सटेंशन है ये कुछ कुछ वेबसाइट्स पे बहुत ही बुरी तरह वर्क करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अमेजोन खोल के रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटेंशन यहाँ पे ऑन है लेकिन स्टिल यहाँ पे डार्क मोड कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, तो अभी देखिए ये हमारा नॉर्मल डिफॉल्ट मोड है एंड इसको मैं ऑन कर दूंगा तो ये डार्क मोड है। तो यहाँ पे डार्क मोड सही तरीके से होता भी नहीं है एंड इनफैक्ट मैं अगर ब्राइटनेस को कम करता हूँ तो आप देख सकते हैं डार्क मोड के नाम पे ये सिर्फ ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर रहा है इस साइड पे। एंड यहीं पे अगर मैं मान लीजिए ब्राइटनेस को फुल इंक्रीज कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को रीड भी नहीं कर पा रहे कि क्या लिखा है, तो आप इस साइट को क्या ही एक्सेस करेंगे। लेकिन स्टिल ये कुछ कुछ साइट्स पे बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है, आप ब्राइटनेस को अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं एंड इसको अगर आपको यूज करना है तो इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लूनार रीडर। तो ये जो एक्सटेंशन है ये आपके काफी काम में आएगा, ना ही सिर्फ ये वेब पेजेस को डार्क मोड पे कन्वर्ट करता है बल्कि ये वेब पेजेस पे एक नाइट शिफ्ट मोड भी ऐड कर सकता है। तो ये वन ऑफ माई फेवरेट डार्क मोड एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं विकिपीडिया में आ चुका हूँ एंड यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करके ऑन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन जो है देखने को मिल रहे हैं। तो सिंपली मैं जो है डार्क मोड को यहाँ पे ऑन कर दूंगा एंड इसका जो डार्क मोड है वो काफी बेहतर है दूसरे सारे एक्सटेंशन से। यहाँ पे आप टेक्स्ट को भी बहुत इजीली पढ़ सकते हैं एंड अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत या कोई प्रॉब्लम हो रहा है आप जो यहाँ से ब्राइटनेस या फिर कॉन्ट्रास्ट को अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हम सिंपली इसको ऑफ कर देंगे एंड नाइट शिफ्ट को यहाँ से इनेबल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक येलो टेंट सा आ गया है एंड अगर आपको इसके कलर टेम्परेचर को इंक्रीज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए एकदम येलोइश सा बन चुका है। मान लीजिए मैं नाइट शिफ्ट एंड डार्क मोड दोनों को इनेबल कर देता हूँ तो देखिए एक वियर्ड सा कलर यहाँ पे बन चुका है। साथ ही में अगर मैं यहाँ पे अमेजोन ओपन करता हूँ तो देखिए अमेजोन पे भी ये बहुत सही तरीके से वर्क करता है। मैं यहाँ से नाइट शिफ्ट को ऑफ कर देता हूँ तो देखिए डार्क मोड यहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो ओवरऑल ये काफी अच्छा एक्सटेंशन है डार्क मोड के लिए, डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हैं। सो लास्ट ऑन द लिस्ट इज डार्क रीडर। तो आई एम डैम श्योर कि आपने जो है डार्क रीडर का नाम कभी ना कभी जरूर सुना होगा एंड ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डार्क मोड एक्सटेंशन है एंड मेरा पर्सनल फेवरेट भी। एंड अगर मैं आपको विकिपीडिया पे लेके चलूँ एंड मैं सिंपली इसको यहाँ से ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं एंड आप यहाँ से डार्क मोड को एज अ होल ऑफ या ऑन कर सकते हैं यहाँ से। एंड ये तो सिर्फ फिल्टर्स का सेक्शन है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जस्ट लाइक लूनार रीडर। एंड साथ ही में यहाँ पे आपको साइट लिस्ट भी मिल जाएगा, मान लीजिए कोई ऐसा साइट है जिसको आप डार्क मोड नहीं करना चाहते, उसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो वो साइट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड साथ ही में यहाँ पे मोर ऑप्शंस में आप टेक्स्ट को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अगर इसके फिल्टर्स को हम एक्सप्लोर करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एंड सेपिया। सेपिया एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिस तरह लूनार रीडर में हमको नाइट शिफ्ट मिला था सेपिया उसी का ऑल्टरनेटिव है। तो अगर मैं सेपिया को यहाँ से थोड़ा इंक्रीज करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा येलोइश टाइप का हो चुका है। एंड अभी अगर मैं इसको लाइट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं जिस तरह लूनार रीडर में आपको नाइट शिफ्ट देखने को मिल रहा था यहाँ पे भी सेपिया बिल्कुल उसी तरह वर्क करता है। तो ये काफी अच्छा एक्सटेंशन है ओवरऑल। एंड अगर मैं आपको अमेजोन पे लेके चलूँ तो देखिए अमेजोन पे भी ये बहुत ही सही तरीके से वर्क करता है। तो ओवरऑल ये काफी अच्छा एक्सटेंशन है, डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हैं एंड डार्क मोड सारे वेबसाइट्स पे आप इनेबल कर सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं आप डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर रहे तो बेल आइकन को भी हिट कर देना। काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, हो सकता है कि कोई वीडियो आपके काम में भी आ जाए। तो इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।